प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था और उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पर हम निबंध देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव के लिए एक सबसे बेस्ट निबंध आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो आपका पॉइंट रहेगा, प्रस्तावना में आप लिखोगे, प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा का अत्यधिक महत्व था और शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित थी। गुरुकुल व्यवस्था भारतीय शिक्षा प्रणाली की रीढ़ मानी जाती थी। अब इसके बाद में आपको लिखना है, जिसमें विद्यार्थी अपने गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो जो अभी तक का सबसे बेस्ट निबंध आपको बता रहे हैं, और ये जो ऐसे रहने वाला है आपको फुल मार्क्स दिलाएगा, यह प्रणाली भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अभिन्न अंग थी और इसके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप डालोगे गुरुकुल व्यवस्था का। इसमें आप लिखोगे, गुरुकुल शब्द गुरु और कुल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गुरु का परिवार या घर। अब इसी में आपका आ जाएगा, गुरुकुल एक प्रकार का आवासीय विद्यालय था जहाँ छात्रों को उनके द्वारा शिक्षित किया जाता था। यह शिक्षा प्रणाली केवल शैक्षिक ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें भौतिक, सामाजिक और धार्मिक शिक्षा भी शामिल थी। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आप लिखोगे, गुरुकुल में विद्यार्थियों को वेद, उपनिषद, पुराण, व्याकरण, गणित, विज्ञान, राजनीति, धर्म और अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता था। शिक्षा का जो माध्यम था मुख्यतः संस्कृत भाषा थी और गुरुकुल में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता, अनुशासन और समाज के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में सिखाया जाता था। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है, भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। इसमें आप जो भारतीय संस्कृति के प्रभाव के अंतर्गत क्या लिखोगे, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा। तो गुरुकुल व्यवस्था में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का विशेष महत्व था। विद्यार्थी जीवन के मूल्यों, धर्म और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते थे। यह जो शिक्षा प्रणाली थी भारतीय समाज में नैतिकता और धर्मनिष्ठा को बनाए रखने में सहायक थी। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है, इसमें आप लिखोगे, श्रम और आत्मनिर्भरता। इस वाले में आपका आ जाएगा, गुरुकुल में विद्यार्थी केवल अध्ययन ही नहीं करते थे, बल्कि अपने जीवन यापन के लिए श्रम भी करते थे। इससे उनमें आत्मनिर्भरता और श्रम के प्रति सम्मान की भावना, सम्मान का जो भाव होता था वह उत्पन्न होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा, समाज सेवा और सहयोग। इस वाले पॉइंट में आप करोगे, गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता और सहयोग से कार्य करते थे। यह सामूहिकता की भावना और समाज सेवा की मानसिकता को प्रोत्साहित करता था। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, संतुलित शिक्षा। तो इस वाले पॉइंट में आप करोगे, गुरुकुल में शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं था, बल्कि
बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। यह जो प्रणाली थी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास को समान रूप से महत्व देती थी। अब अच्छे इसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो आपका पॉइंट है संस्कृति और संरक्षण वाला है, इस वाले पॉइंट में आप लिखोगे, गुरुकुल में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण होता था। विद्यार्थी अपने इतिहास, साहित्य और कला के माध्यम से अपने संस्कृति से जुड़े रहते थे और इसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। अब जो आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है ऑप्शन हार, इसमें आप ये लिखोगे, प्राचीन काल की गुरुकुल व्यवस्था में भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। यह व्यवस्था शिक्षा के साथ साथ नैतिकता, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहित करती है। अब जो आपका अगला पॉइंट पॉइंट यही है, लेकिन नेक्स्ट पेज पर आप लिखोगे, आज के समय में भी इस प्रणाली के कई तत्व आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाहित किए जा सकते हैं, ताकि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना ना होकर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना हो। भारतीय संस्कृति की इस अनमोल धरोहर को संरक्षित और पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने मूल्यों और परंपराओं को बनाए रख सकें।